पब्लिक आई डे है 18 अगस्त का और कल है 19 अगस्त, और 19 अगस्त को मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की बर्थडे है जिसका नाम आप तकरीबन जानते भी होंगे या उसकी शक्ल आपने में भी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे अक्सर मेरे साथ होता है आपने देखी होगी। हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है लेकिन गहरी ज़रूर हो गई बहुत बहुत कम अर्से में। तो ये उसकी पहली बर्थडे है जो कल आने लगी है आज रात 12 बजे, अभी 10 बजे हैं, थोड़ी सी देर रह गई है बर्थडे शुरू होने वाली है। तो मैंने अचानक एक प्लान सोचा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके घर सरप्राइजिंगली केक लेकर और गिफ्ट लेकर उसके घर अचानक से चला जाऊँ। पहले मैंने सोचा उसको मैं फ़ोन पे विश करूँगा पूरे एग्जैक्ट 12 बजे, फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग होना चाहिए, विश तो सारे करेंगे, तो फिर मैं उसके घर जाने का प्रोग्राम बनाया। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ड्रेस्ड अप होके हूँ और बाकी अब मैं रास्ते से पहले उसके लिए गिफ्ट लूँगा, केक परचेज करूँगा और देन उसके घर जाऊँगा। तो ओके, इस वक्त बाज़ार में तो मैं मौजूद हूँ लेकिन अभी एक मसला ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूँ कि शर्ट वो वाली मुझे सूट नहीं कर रही थी, तो मैंने अभी शर्ट ज़रा चेंज कर ली अपनी पीस पे, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अभी बाज़ार में मैं आया था उसके लिए गिफ्ट लेने, लेकिन मसला ये है कि जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा लेट हो गया, अचानक प्लान बनाया, तो इस वजह से अभी ना काफ़ी शॉप बंद हो गई हैं। अब मेरे जहन में 3-4 चीज़ें तो थी उसको गिफ्ट देने के लिए, मैं सोच रहा हूँ उसके मुताबिक, क्योंकि वो भी एक लॉयर है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको कोई ऐसी चीज़ दूँ जो उसके काम भी आए, बट अभी मुझे अभी कुछ अभी समझ आ नहीं रहा, लेकिन अभी फिर मज़ीद हम ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कुछ अच्छा सा मिल जाए तो इंशाल्लाह फिर हम उसे वही देंगे। अच्छा, मुझे अभी एक वॉच शॉप नज़र आई है जिसको देख के मेरा थोड़ा सा यानी कि ना बना भी है माइंड कि ये बेहतर हो सकता है गिफ्ट एक, क्योंकि वकीलों को पंक्चुअल होने के लिए ज़रा घड़ी की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें से इंशाल्लाह हम पसंद करते हैं। अच्छा, ये मुझे जो है ना इन सारों में थोड़ी अच्छी लग रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है उसे भी अच्छी लगेगी, तो बस यही करवा लेते हैं जी। तो घड़ी तो हमने ले ली है और यार बट तो ये पसंद आनी चाहिए, ये ना हो कि ये पसंद ना आए फिर देखेंगे। खैर, घड़ी हमने ले ली है लेकिन ना एक मैं चीज़ सोच रहा था, मैं कह रहा था कि यार जो मैं अकेला जाना है तो केक भी लेना भी रस्ते से, अकेले जाते वक्त केक मैं रखूँगा भी कैसे और फिर मज़ा भी नहीं आता ना अकेले बंदे को जाते हो। तो मैं सोच रहा हूँ एक और दोस्त है अपना, उसे भी फ़ोन कर लिया जाए, उसे बुला लिया जाए, फिर हम मिल के जाएँ उसकी तरफ। तो दो बंदे एक से 11 भले होते हैं, तो इसलिए मैंने उसे भी फ़ोन कर दिया और इंशाल्लाह वो भी आ रहा है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं और फिर हम मिल के जाएंगे। नहीं, जिस दोस्त का इंतज़ार था वो तो आ गया है और अभी हम खड़े हैं बट स्वीट के आगे। बट स्वीट मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि अपना यार भी बट है, तो मैं कह रहा हूँ बॉस भी बट का ही होना चाहिए और हर जगह बटो बट होना चाहिए। तो अभी हम फिर केक लेते हैं। रोनी बड़ी दूर से आया यार मेरे लिए बेचारा स्पेशल, बल्कि मेरे लिए नहीं बट के लिए आया है, बर्थडे उसकी है ना रोनी। तो ये हैं केक की वैरायटीज में से हम कोई पसंद करते हैं, इसके ऊपर हम लिखवा रहे हैं माय बट। ले जी, उसकी गली में तो हम पहुंच गए हैं और बस समझ लें तकरीबन थोड़ा सा 20 मिनट रह गए हैं उसकी बर्थडे में, लेकिन हम कह रहे हैं अब थोड़ा सा टाइम ना वेस्ट करें। साइड पे ये गाना है उसका, ये गाना आ गया उसका। ये सोचो कि खुशी हो रही है कि वो हमें देखे कितना चौंकेगा और खुश होगा, मैं इमेजिन कर रहा हूँ उसका हंसता हुआ चेहरा। अपने अपना फोन देंगे ना, हैप्पी बर्थडे बाटे। आ गया चल भाई, आ गया माय बट, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना इंतजार कराया तुमने, शुक्रिया। माय बट हैप्पी बर्थडे यार, कहो यार ऊंची आवाज में हैप्पी बर्थडे। उठा मला के सो रहा है, बट तेरी बर्थडे है भाई। ऊपर तू ही आया था अभी? नहीं, छोटा भाई। यार मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई और सा हो, मैं उसे कह दिया हैप्पी बर्थडे बट। ले यार बट ध्यान से।
हम आए तो थे, हमने सोचा था बट की बालकोनी में बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, केक वगैरह कटेंगे, लेकिन बट कहने लग गया कि तो नहीं यार रेस्टोरेंट जाना चाहिए, वहाँ बैठ के करते हैं, माहौल बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा बैकग्राउंड आएगा। तो अब हमने ज़्यादा किया वहाँ जाने का, बट किया ज़रा ऊपर तैयार होने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि उसको तो सरप्राइज़ मिला, वो तो अपने आम यूजुअल कपड़ों में था, तो अब थोड़ा सा ज़रा रेडी हो रहा है, फिर हम वहाँ जाकर वहाँ पर केक कटिंग करेंगे। और ये आ गया है रेस्टोरेंट कैफे ग्रीन, बट तू कहाँ ले आया हमें यार, मैं तेरी बालकोनी में बैठना चाहता था। वही इधर ही बैठ जाते हैं या आगे चले जाएं? ठीक है, तो अभी हम बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में, और अभी एक्चुअली ना दो हमारे दोस्त और थे, फिर हमें यहाँ बैठ के ख्याल आया कि उनको भी बुला लेते हैं, तो बस अब उनका वेट कर रहे हैं, वो आए, चीज़ें तो रेडी हैं, वो आएंगे, फिर हम केक वगैरह कट करेंगे, और फिर बट आज कितने साल का, बट आज पूरे 30 साल का हो जाएगा बट आज पूरे 30 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। रोनी तू कितने साल का, रोनी कितने साल, 20 साल। क्या क्या पाया तुमने 20 सालों में दुनिया पे? क्यों धोखा दे देखी है दुनिया में, दिल लग गया दुनिया पे 20 सालों में। पब्लिक आज मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ, जिससे हमारा मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बच सकता है। ये देखिए ये देखिए क्या घटिया तरीन चीज़ें रोनी तुमने रखी हैं अपने पास, में शर्म नहीं आती हैं? तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दो भाई हैं, एक मर जाए तो तू इकलौता ही रह गया ना। इससे अच्छा तुम ये अपने पेट में मार लो, बजाय ऐसा ऐसा मरने के इसे मर जाओ तुम। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी कब्र कुशाई करा लेंगे। कैसा लग रहा है 7 रुपये का नुकसान उठा के? बास तो फिर नहीं आया, काश ये तेरे वालिद साहब, तेरी वकील लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते। वकील नहीं हो तुम अभी, तुम अभी मुंशियत का कोर्स कर रहे हो। यार ये मतलब कि रोनी मुझे एक बात बता, तेरे वालिद साहब ये वीडियो देखें उनके दिल पे क्या बीतेगी? लो ये बाप भी नहीं सही है। अच्छा बाकी रोनी 7 रुपये का लॉस तुम्हें कैसा लगा? भाई नहीं बर्दाश्त, आप दे दो 7। वो मुझे वो अक्षय कुमार की ऐड याद आ गई, वो अस्पताल के बाहर खड़ा होकर फूफू कर रहा बट वो है नहीं अक्षय कुमार की, अस्पताल के आगे खड़ा होकर फूफू कर रहा है, बीवी बीमार है। वो लग रहा था मुझे इस वक्त। तो अब बज गए हैं पूरे 12। हैप्पी बर्थडे बट अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट 12:00 19 अगस्त 2022 हैप्पी बर्थडे कह तू भी। इनको भी बुला, इनको सारों को, इधर आओ, बर्थडे विश करो मेरे यार को। किधर रह गया तुम्हारा दोस्त? अब एक दोस्त रह गया, उसके इंतज़ार में डब्बा बंद है अभी तक। सुने पाक सर ज़मीन के लिए खड़े हो जाए सारे। यार इसने कॉर्नर से ख़राब कर दिया, हैप्पी बर्थडे माय बट। ओहो तालियां। हैप्पी बर्थडे बट। ये बाटे को भी खिलाएं, पकड़ो नहीं तेरा कल ही वीडियो ठीक था। हम मुंह पे मलने वाला बगैर थी नहीं करेंगे। मैं कहा छुरी उन्होंने हमें फुल कुर्बानी वाली दी है, तो बकरा काट सकते हम। रोनी लेट जरा आंदे मुँह लेट जरा होनी भी नहीं है, लेट जा भाई का किया कुछ कुदरत की तरह से जवाब है। देखना
नेचुरल डिफॉल्ट आ रहा है। एक मिनट जरा खाते हुए देखे ना, ये जिस लड़की के साथ खाने रेस्टोरेंट में जाएगा उसने देख के डर जाना है, तो खा जाएगा मुझे भी आदमखोर। इसे देख के ना पता लगता है कि वो जो वाकई हमारे पूर्वज बंदर थे ये इंसानों में। खपड़ा वीडियो के बाद बता दो करीब ले के यार, होनी दूसरे पहन के दिखाओ, पहन के जे। तो पब्लिक, इसी के साथ हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, और अगर बट ने हमें कोई अच्छी सी आगे पार्टी दी फिर उसका हम ज़रूर बनाएंगे व्लॉग। अभी तो बस इतना ही था, अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।